को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो आजकल चर्च में क्रूस की पूजा क्यों तब होता है? ये सब है, ये सब चीज यीशु मसीह करने के लिए बोला है। आप पढ़ पढ़ कीजिए, फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए। हालेलुया, फोकस कीजिए। लिखा है कि बहुत अटक बोला, चल रहा थोड़ा देर, देखिए इधर देखिए, लिखा है कि क्रूस की पूजा करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है? नहीं नहीं कहा है। तो आज कलीसिया में चर्च के अंदर में क्रूस का, क्रूस को लगा करके वहां पर लोग घुटने टेकते हैं। क्या आज यीशु मसीह क्रूस पर है? हम क्रूस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, हम क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका 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 क्रूस से उधार नहीं होगा, आपका उधार होगा सिर्फ यीशु मसीह से। हालेलुया। जैसे कि लिखा है क्रूस की पूजा चल रही है। आगे बहुत गजब वाला टॉपिक है भाई, ये मरियम की पूजा बहुत ज्यादा होता है। आज कई लोग इस वीडियो के अंदर मुझे भी देखेंगे, लोग बोलेंगे 5 मिनट 1 इंच क्या बात कर रहा है, मैं बक नहीं रहा हूँ। जो सही है इसमें जो वचन पढ़ के खोल के बताइए कहाँ लिखा है कि यीशु ने मरियम को मां का कहा? एक भी जगह अगर निकाल के बताइए, मैं प्रचार करना ही छोड़ दूँ। ओपन चैलेंज, हालेलुया, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। ये आज मरियम की पूजा बहुत सारे चर्च हो रहा है। और अब ये क्रूस का एक माला होता है, उसको क्या बोलते हैं? रोजरी। क्या बोलते हैं? बोलिए तब लोग जानते हैं। नाम नहीं जानते, नाम नहीं जानते। क्रूस का माला बोलते हैं। अच्छा, क्रूस का माला जो भी हो आपने से पोस्टमार्टम बोल बोले जाते हैं। हालेलुया, छोड़िए, यहां पर क्रूस का माला की पूजा भी होता है और यहां मरियम की पूजा भी होता है। और लिखा बेदी की पूजा होता है, आजकल तो बहुत ही जबरदस्त है, बेदी की पूजा होता है। परमेश्वर वेदी पर है कि आपके अंदर में? हमारे अंदर, हमारे अंदर है। दूसरा क्रम के आधे अच्छे हैं, बोले इच्छा को लिए अभी बोलो, पढ़ लेते हैं हम लोग, जब बोल रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्रम के आधे अच्छे वचन 16 को पढ़िएगा, जल्दी से पीछे पढ़िए। मूर्तियों के साथ परमेश्वर की मंदिर का क्या संबंध? आमीन। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? आगे, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हाँ, जैसे परमेश्वर ने कहा या मैं उनमें बसूंगा आगे और उनमें चला फिरा करूंगा आगे और मैं उसका उनका परमेश्वर होऊंगा आगे और वे मेरे लोग होंगे। आमीन। लिखा है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध? आगे लिखते हैं, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। तो भाई साहब, आज वेदी पर आगे जाकर क्यों आप माथा टेकते हैं? क्या ये बात सही है? आज संस्था क्या इंसान सेवक लोग ये बात से सिखाता है कि तुमको हमारे आना है? आया मुझे बाहर कैसे करते हैं बड़े साहब, कोई ऐसा मुझे नहीं पता ऐसा करते हैं। क्या ये सही है? किसी काट किसी पत्थर को आप ईश्वर मान सकते हैं? नहीं, हम नहीं मान सकते। जिसके अंदर लिखा गया वेदी की पूजा भी होती है, तुम आगे जाओ 5 बार आओ तुमको ऐसा ही करना होगा, कोई इधर से मार देगा तो अच्छा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर लिखा हुआ वेदी की पूजा और वेदी को पवित्र मानना। आजकल तो पेड़ के अंदर में भी पुराने नियम पर जब मूसा तांबू बनाता वहां पर तीन स्थान था, क्या कहता है, एक तो आंगन है, एक तो पवित्र स्थान, एक तो मां पवित्र। लेकिन जब व्यवस्था जब पूरा कर लिया यीशु मसीह ने, जब क्रूस बताया तो बोला कि पूरा हुआ। और यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया था, और जब क्रूस पर मरा तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। आप ही जो विश्वास करते हैं डायरेक्ट बाप से बात कर सकते हैं। हालेलुया, जब बात करते हैं हालेलुया। वेदी को पवित्र मानना। आजकल के कई लोग ऐसा आगे जाकर बड़े बड़े सेवक बोलते हैं कि यहाँ क्या है, पवित्र है परमेश्वर, हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैं उनमें चलूंगा फिरूंगा और मैं उसमें बसूंगा, मैं उसके अंदर, मैं तुम्हारे अंदर आता हूँ।
आज परमेश्वर को हम लोग यहाँ ढूंढते हैं, परमेश्वर हमारा अंदर रहता है और उसको हम लोग ढूंढते हैं और बोलते हैं कि यहाँ मत आना विश्वासी लोग, क्योंकि तुम पापी हो। भाई साहब तुम जो बड़े झोला चोगा पहन के पहन रखे तुम जो सही है क्या? हालेलुया, ऐसा है? हम सब मसीह में क्या है, हम लोग भाई सब, सभी को भाई है। हालेलुया, जैसा लिखा है कि क्या लिखा पवित्र बना और क्या आगे लिखा सर, कोई पढ़ दीजिए एक लीजिएगा। आत्मिक पिता बुलाना, एक सेकंड, ये आत्मिकता लगभग ये दोस्त कम से कम 10 साल या तो 10 साल से ज्यादा चल रहा है। ये आत्मिक पिता के कॉन्सेप्ट कहां से लाके ले गए? मुझे तो यहाँ पर मिलता नहीं है। वचन कहता है कि यीशु मसीह मत्ती अध्याय 23:9 में लिखा है, पढ़िएगा सर, मत्ती अध्याय 23:9 एकदम फटाफट पढ़िएगा। जो सो रहा है और सारे लोग बोलेंगे, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आमीन। तो आज कलीसिया के चर्च का अंदर में आत्मिक पिता बहुत ज्यादा चल रहा है, इसीलिए लोग मुझसे गुस्सा होते हैं। लिखा है क्या आज सबसे ज्यादा, ये मेरा पापा आ गया, मेरे डैडी आ गया, ये मेरा आत्मिक पिता है। भाई आप अगर आत्मिक पिता हो तो परमेश्वर कौन सा पिता है? हालेलुया। अगर बोलोगे अगर आत्मिक पिता है के द्वार जो अबू लेकिन है गोए जाना जीत मेरी जन है 40 दिन तक सुन रहा सेन हो जाए इन्हीं खुद वो तब कौन है, कौन है? हालेलुया। यीशु ने खुद क्या के तुम रब्बे भी ना कहा लगा। आज महामहिम हलाना नाम तो मैं किसी का लेता नहीं। हालेलुया, इसीलिए हम लोग निकलते हैं जी। हालेलुया, ये आत्मिक पिता किसी को भी नहीं बोला, कभी भी हमको पास्टर नहीं बोलना, मैं आपकी तरफ आई हूँ। हालेलुया, मुझे पास्टर बनना, मुझे बड़ा बड़ा टोपी नहीं पहनना, अगर बनना है तो यीशु मसीह का बेटा बन के रहेंगे। हालेलुया, और उसका काम करेंगे। तो क्या ये सही है? सही है। आत्मिक पिता मनुष्यों की शिक्षा है, बाइबल का नहीं है, सब लिखे हैं। हालेलुया, कुछ है समझ गए? बुढ़ी बाबू पूछो तेरा बाबू चार्ज उड़ा रहे गिरजे उड़ा रहे और मैंने को मैंने आज आप आत्मिक आप लोगों को मैंने आप सोचा होगा बच्चे ये नन्हे वचन ने कहा वाला करना चाहता रहो। हालेलुया, और कभी भी ने वेदी पूरा आया रे माथा अलपट गया, अन्यथा आप लोग पाप कर बैठोगे और बाद में कितने भी चल जाएंगे और यदि सच्चा पश्चाताप और हम लोग जीवन नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा, होगा नहीं। हालेलुया, तो ये सब भाई के किसका नियम है? मनुष्यों का। देखते हैं यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने लहू से क्या किया।